आप सभी का स्वागत है एकेएच आरजे में और मैं हूं आरजे शर्मा और आज हम बात करेंगे बर्ड फ्लू के बारे में। आप सभी जानते हैं कि बर्ड फ्लू हमारे देश में तेजी से फैला जा रहा है। यह रोग हमारे देश में बहुत से पक्षियों को हो चुका है। यह रोग H5N1 वायरस के कारण होता है। यह वायरस सर्वप्रथम चीन के गीस पक्षी में 1996 में मिला था। यह रोग मानव में पहली बार 1997 में हांगकांग के नागरिक को हुआ। फिलहाल यह रोग 50 से अधिक देशों में फैला हुआ है। यह रोग अभी तक 5 करोड़ लोगों को संक्रमित कर चुका है। बर्ड फ्लू के लक्षण 2 से 7 दिनों के भीतर हो सकते हैं। इसके सामान्य लक्षण खांसी, बुखार, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, सर दर्द, सांस लेने में कठिनाइयाँ आती हैं। 17 अप्रैल 2007 को FDA USA की कंपनी जिसने H5N1 वायरस का टीका इन्फ्लुएंजा की खोज की। H5N1 वायरस सामान्य कोरोना वायरस की तरह ही माइक्रो ड्रॉपलेट के कारण फैलता है। दोस्तों, मकर संक्रांति का समय है। अगर आपको कोई भी पक्षी घायल अवस्था में मिले तो उसकी मदद जरूर करें और इस वीडियो को अपने परिवार के सभी लोगों को शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और वीडियो संबंधित कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।